भाई ऐसा है, बोछा सीट केवल मेरे पार्टी की तो है नहीं, वो तो पूरे एनडीए की पार्टी की कैंडिडेट की बात हुई ना। और जहाँ तक के बोछा सीट जो जीत हुई है, तो आपको मैं बता दूं कि संपैथी वोट के कारण जो है उनके कैंडिडेट को हारने का बहुत कम चांस रहता है, वहाँ पे संपैथी वोट मिला है उनको। आप देखे नहीं कि जब से मंत्री पद से हटे मुकेश सहनी, तब से वहाँ पर खूंटा गाड़े हुए थे। क्या हाल हुआ, मुकेश सहनी जी को भी पता चल गया, और उनका संपैथी वोट है भाई, संपैथी वोट तो मिलेगा ही ना। सरकार के विकास में सिंपैथी वोट कैसे हावी हो जाता है? अब सरकार के विकास और सरकार का वहाँ पर हर चीज लोग भुतला जाते हैं, मतदाता मतदाता के दिमाग में ये बात आ जाती है कि भाई अमुक कैंडिडेट के पिता मर गए हैं, इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ को भुतला के संपैथी हो जाती है, इसलिए उनके कैंडिडेट को जिताने का काम लोग किए हैं। सिंपैथी वोट की बात कर रहे हैं आप, तो क्या तेजस्वी यादव के साथ जिस प्रकार की नजदीकियां बढ़ रही है, तो क्या वो भी एक सिंपैथी कारण है या फिर तेजस्वी उनका यादव जी के साथ किनका नज़दीकी बढ़ रहा है? चिराग पासवान जी का? तो चिराग जी तो पहले से ही टुटुर बुटुर कर रहे हैं उनके साथ, कोई आज नया थोड़े है। आपको पता नहीं है कि चिराग जी के पिताजी जो स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, पद्म भूषण, इतने बार मंत्री रहे हुए, तो जब उनका नहीं पटा, पटरी नहीं बैठा लालू यादव जी के साथ, तो तेजस्वी जी के साथ चिराग जी मिठाई खा लें या कुछ खा लें, उससे क्या होने को है। बिहार का नेता जो है ना, बिहार का ओरिजिनल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का नेता के रूप में पशुपति कुमार पारस जी हैं, और पशुपति कुमार पारस जी के ऊपर जो व्यंग किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि पशुपति कुमार पारस जी जिस टाइम से राजनीति कर रहे हैं, उस टाइम में चिराग जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा। अब सोच लीजिए ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो अपने चाचा पे व्यंग कर रहे हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि लोक जनशक्ति पार्टी का फाउंडेशन पशुपति कुमार पारस जी ने बिहार में किया था, सारे आदमी को लाने का काम पारस जी ने किया था, और उनके ऊपर व्यंग किया जा रहा है। तो खैर, इस पे ज़्यादा हम टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन हम ये बोलेंगे कि चाचा चाचे रहेंगे, अब भतीजा भतीजे रहेंगे, समझ गए। ठीक है। प्रिंस जी ने एक बयान दिया था जिस दिन बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती थी, उन्होंने बोला था कि जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आएगा वैसे वैसे चिराग पासवान हमारे पैर पड़ेंगे। बिल्कुल, वो तो समय बताएगा ना, इस पे हम क्या बोलें। तो प्रिंस जी ने क्या गलत बोला? अरे भाई, चाचा है, गार्जियन है, आज ना कल तो गोर पड़ना ही ना है। राजनीतिक सरगर्मी एक तरफ और जनता के ओपिनियन की अगर बात की जाए, तो जनता चाहती है कि बिहार में एक यंग एनर्जेटिक राजनेता होना चाहिए, और लोग चिराग पासवान को कहीं ना कहीं उस रूप में देखते हैं। क्या तो कहेंगे क्या आप? हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए हैं क्या? अभी आपको मालूम है कि आज गया में 2-3 दिन के लिए कार्यक्रम से निकले हुए हैं। नीतीश जी पूरे बिहार का दौरा कर कर करके पूरा विकास का एकदम पानी से लेके बिजली से लेके सारा चीज़ पहुंचा दिए हैं, और अधिक से अधिक सुविधा दे दी गई है। तो क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी बूढ़ा हो गए हैं क्या? बूढ़ा समझते हैं क्या? नीतीश इन जी दोनों तो को खुद अभी ही आना सर बोले चाहिए। कि इस बार मेरा लास्ट टर्म है, मैं आगे आगे भविष्य में चुनाव नहीं लड़ेंगे, वो तो खुद सर हमने बोल रहे थे। क्या बोल रहे हैं नीतीश कुमार जी की? अब ये तो मेरा पिछली लास्ट टर्म मर्तबा है, अब हम नहीं लड़ेंगे, जी पिछली मर्तबा है ऐसा उन्होंने ये हमने तो कह नहीं दिया। सुना है। बिल्कुल, सर उनका बोले हैं बयान था बिहार कि वो अरे सपा भाई, कवरेज कर रहे थे सर। कहावत आपने सुना है, जब तक सांस तब तक आस। आप भी जब तक मानते हैं हमारे मुख्यमंत्री जी के अंदर में एनर्जी और जवान बने रहने का, कार्य करने का शैली रहेगी, तब तक वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप ये कहना चाहते हैं और यहाँ कि कोई वैकेंसी नहीं है मुख्यमंत्री माननीय का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलट सकते हैं अपने जुबान से, कैसे पलट जाएंगे? क्योंकि उन्होंने चुनाव में कहा था कि हम इस बार लास्ट बार मुख्यमंत्री बनेंगे, इसके बाद बनना नहीं अरे हमको। भाई, सब लोग ऐसा बोलता है, घर में भी लड़ाई होती है तो यही बोलते हैं आप कि ये आज के कहना चाह बाद। रहे हैं कि पलट सुनिए सकते सुनिए हैं सुनिए, वो? घर में भी जब झगड़ा होता है तो यही ना बोलते हैं कि आज के बाद आपके दरवाजे पर हम नहीं आवेंगे। फिर भी आते हैं कि नहीं? आप उनको खाना खिलाते हैं कि नहीं? रिलेशन को बैठाते हैं कि नहीं? तो नीतीश कुमार जी मान लिया कभी बिल्कुल
जुबान फिसल गया होगा ये मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा नहीं है। राज्यसभा जाने की जो चर्चा हो रही थी, नीतीश जी कभी राष्ट्रपति बनेंगे कभी उपराष्ट्रपति बनेंगे, इसके बारे में क्या कहना है? चर्चा तो मार्केट में बहुत तरह का होते रहता है, जब होगा तब ना। चर्चा तो मार्केट में बहुत सारी होते रहती है, क्या कीजिएगा। भाजपा के नेताओं सब कह रहे सर कि नित्यानंद राय जी को मुख्यमंत्री, ऐसा कोई डिसीजन और ऐसा कोई पक्का इन्फॉर्मेशन तो मेरे पास नहीं है। मुख्यमंत्री नित्यानंद राय जी को बनाना तय हुआ है और नीतीश जी मुख्यमंत्री पद से हटेंगे, ऐसा तो कोई चर्चा या कोई बात कहीं से हमको नहीं मिला। मुख्यमंत्री प्रत्याशी दिया जाता है तो आपके मतलब से समर्थन रहेगा? अरे भाई, जिसका ज़्यादा संख्या है तो उसको तो समर्थन देना ही ना होगा। हमारी क्या ऐसी है, हम गठबंधन में हैं, पांच को सांसद, छह को सांसद हैं हम लोग, पांच को एक MLC हैं, MLA है ये नहीं है। तो जहाँ गठबंधन में जो सबका राय होगा वो काम किया जाएगा। आप मुख्यमंत्री के सुरक्षा पर सवाल उठाए थे, आपके सवाल पर सरकार कितना ध्यान दे पाएगी? हाँ, मैंने मुख्यमंत्री के सुरक्षा पे सवाल तो उठाया था और एक्ट का भी हमने आप मीडिया के लोगों को दर्शाया था कि ये एक्ट के तहत सुरक्षा कर्मी लगते हैं। लेकिन मैं आप तमाम मीडिया के भाई बहनों को बता दूँ कि जो चर्चाएँ हुई थी उसके अंतर्गत हमारे मुख्यमंत्री जी, DGP, ADG सारे लोगों को घटनास्थल पर भेजे थे, इंक्वायरी करवाए हैं, जांच करवाए हैं और हम समझते हैं कि बहुत जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई करने जा रहे हैं, आपको दिखाई पड़ेगा, बहुत जल्द कार्रवाई करने जा रहे हैं। आपके सुरक्षा की जो बात थी जो आपने लेटर लिखा था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सुरक्षा का जो मामला था उसमें रिव्यू चल रहा है और कुछ हुआ भी है ना, और जो भी है वो सब किया जाएगा, बातचीत चल रही है।